कंफर्म है कि ये सैंपल किससे निकले हैं, इसी पॉपुलेशन से, तभी कौन सा अप्लाई करोगे, पैरामेट्रिक टेस्ट। सभी को समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है, डेफिनेशन लिखिए। प्राचलिक कहेंगे हिंदी मीडियम में, प्राचलिक परीक्षण, पैरामेट्रिक टेस्ट, प्राचलिक परीक्षण, पैरामेट्रिक टेस्ट, इट इज द वन दैट मेक अजम्पशन, इट इज द वन, इंग्लिश में लिख लो बेटा अभी, इट इज द वन दैट मेक अजम्पशन, AWSUMPTION, अजम्पशन, that population parameter and sample statistic, population parameter and sample statistic are known, sample statistic are known, KNOWN are known, मतलब पॉपुलेशन का पैरामीटर भी पता है और सैंपल का स्टैटिस्टिक भी पता है, तो कौन सा अप्लाई करोगे, पैरामेट्रिक टाइप लिखिए, सेट टेस्ट, पेपर वन में अब क्वेश्चन नहीं आते, पास्ट में आते थे, उनके नाम पूछा जा रहा था, इनमें से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो इन सारे पैरामेट्रिक टेस्ट के आपको नाम तो जरूर याद रखने हैं, चांसेस कम है अब पेपर वन में ये सब क्वेश्चन आने के, क्योंकि पेपर वन में बहुत कुछ है, तो आपको ध्यान से देखना, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं, जेड टेस्ट जो आपको पढ़ना है, ई टेस्ट जो पढ़ना है, एंड एफ टेस्ट, अनुवाद सभी को नहीं पढ़ना, क्लियर है सभी को, ये किसके एग्जांपल हुए, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक में chi स्क्वायर टेस्ट जो सभी को पढ़ना है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है आप सभी को, केवल एजुकेशन, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड सोशियोलॉजी, उनको बाकी सारे पढ़ने हैं, बाकी सभी को, अच्छा फिजिकल एजुकेशन उनको भी पढ़ना है, बाकी सभी को कौन सा करना है, केवल काई स्क्वायर टेस्ट, इज इट क्लियर, बट नाम जरूर सभी को याद रखने हैं, नाम ज्योग्राफी सभी को याद रखने हैं, ध्यान रखना, जिनका नाम नहीं लिया सभी को, मतलब सभी को नाम याद रखना, इवन साइंस, क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामेट्रिक, तो हमारे दिमाग में क्या चढ़ा होता है, काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि सबसे फेमस नॉन पैरामेट्रिक कौन सा है, काई स्क्वायर टेस्ट, बट कई बार हम साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स में साथ में साइंस टेस्ट भी था, समझ में आया, तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ काई एंड साइन, अब वो साइन टेस्ट आपके ऑप्शंस में दे चुके हैं, तो उसके अलावा कौन कौन से नॉन पैरामेट्रिक, मान विटनी यू टेस्ट, क्रिस्टल वॉलेस टेस्ट, या जिसको हम कई बार एच टेस्ट भी कहते हैं, और फ्रीडमैन्स अनुवा, ये कौन कौन से हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो ये नाम सभी याद करना है, बेशक डेप्थ में कुछ ही स्टूडेंट्स को पढ़ना है, बट नाम सभी को याद रखने हैं, ध्यान रखना, साइन टेस्ट लिख लिया, FRIED, देखो FRIED, MAN, अनुवा, अब नीचे नोट में लिख लेना, पैरामेट्रिक टेस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू नॉन पैरामेट्रिक, लिख लेना, पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू
non-parametric test. Parametric tests are more powerful as compared to non-parametric tests. लिखिए सभी ने. मीन्स अगर आपके पास ऑप्शन है और आप किसी टेस्ट पे पैरामेट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, और कौन सा, तो आपको क्या चुनना चाहिए. जैसे मैंने क्या बोला, पॉपुलेशन के बारे में पता है बट डाउटफुल हो, तब आप दोनों पढ़ सकते हो ना, पैरामेट्रिक भी हो. आईडी से कौन सा लेना चाहिए, नॉन पैरामेट्रिक, तो आप दोनों से सिग्निफिकेंस टेस्ट ले सकते हो. क्या करना, आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैरामेट्रिक में कौन सा है, जेड टेस्ट. जो सबसे कॉमन टेस्ट अप्लाई होता है पैरामेट्रिक में वो कौन सा है, जेड टेस्ट. इज इट क्लियर. दूसरे नंबर पे कौन सा है, टी टेस्ट. टी टेस्ट दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला है, ध्यान रखना. टी टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पेयर और एक अनपेयर्ड या